तो गाइज क्या आप भी अपनी कुछ इस टाइप की फोटो को ऐसा एडिट करना चाहते हो? देख पा रहे हो गाइज कि ये फोटो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें आप देख पा रहे हो कि स्किन कितना ज्यादा स्मूथ है, व्हाइट है, साथ ही साथ इसमें हेयर पे ऑयल पेंट का इफेक्ट भी है, साथ ही साथ बैकग्राउंड डार्क है। कुछ इस टाइप की आप भी अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो, वो भी पिक्सा टाइप का यूज करके। बहुत ही इजी तरीका मैंने आज के इस वीडियो में बताया है, सो वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हां तो गाइस देख पा रहे हो कि हम अपनी फोटो को यहाँ पे ओपन कर लिए हैं पिक्सा टाइप के अंदर। एंड इस फोटो को अब आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ से रिसाइज कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी विड्थ जो है डाल देंगे 6000। यहाँ पे इसकी एक्चुअल विड्थ है 2896, जो कि हम यहाँ पे डाल देंगे 2896। ये डाल देने के बाद हम इसको रिसाइज पे क्लिक कर देंगे। अब ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब आप अपनी फोटो को सेव करोगे तो आपकी फोटो की क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी। जितनी क्वालिटी में आपकी अभी फोटो है उतनी ही क्वालिटी में सेव करने के बाद भी रहेगी, तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब गई जी आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको यहाँ एडजस्ट पे चलना है। यहाँ गई जी आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, लगभग 3%। एंड अब गई जी आपको यहाँ से हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर लेना है, हाईलाइट्स को -6। एंड यहाँ से शेडोज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, शेडोज़ को +7 के अराउंड, ठीक है। एंड इसको यहाँ से डन कर लेना है। डन कर लेने के बाद गई अब आपको यहाँ ब्यूटी वाले आइकॉन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको स्मूथ वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ऐसे में आपका स्किन जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी अमाउंट को कम कर लेना है, ठीक है। इसकी अमाउंट आपको 9 के आसपास रखना है, ठीक है। एंड इसको यहाँ से डन कर लेना है, ओके। अब गाइस इतना काम हो जाने के बाद आपको यहाँ से आप चाहो तो फेस पिक्स का भी यूज कर सकते हो। अपनी फोटो को जूम करके कुछ इस टाइप से आपको अपने फेस पर चला देना है। आप देख पा रहे हो कि आपका स्किन जो है बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इस फेस फिक्स वाले ऑप्शन का भी यूज करके आप अपना स्किन जो है स्मूथ कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा टूल है, ठीक है। तो ये 2-3 टूल का यूज करके आप अपने स्किन को बहुत ही तगड़े वाले स्मूथ कर सकते हो। देख पा रहे हो कि हम नेक के पास इसको चला रहे हैं एंड कितना अच्छे से ये स्मूथ हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही आपको भी चला कर अपने स्किन को कर लेना है स्मूथ। देख पा रहे हो कि ये स्किन जो है हमारा काफ़ी अच्छा स्मूथ हो गया पहले के मुकाबले। अभी मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं इसको डन करता हूँ एंड डन करने के बाद गाइस मैं आपको इसका बिफोर वाला फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखो बिफोर, ये आफ्टर। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो बिफोर या आफ्टर। देख पा रहे हो गाइस कि स्किन कितना अच्छे से स्मूथ हो गया है, कितना मस्त लग रहा है। अब आपको सिंपल से यहाँ से डन कर लेना है, ओके। डन कर लेने के बाद गाइस अब आपको चलना है यहाँ इफेक्ट्स वाले टूल के अंदर एंड यहाँ से गाइज आपको सबसे पहले कलर स्प्लैश पे आ जाना है। यहाँ से आपको एक कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, कलर्स पे आपको आना है। देन आपको यहाँ कलर स्प्लैश को चूज कर लेना है, ठीक है। अब ये जो प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा है ब्लैक कलर में, इससे आपको अपने स्किन के सबसे डार्क वाले एरिया पे ला कर रख देना है, जैसे कि हम इसको ईयर के पास रख देते हैं। अब यहाँ से इसकी मेन ह्यू आप देख पा रहे हो, इसे आपको पूरा आगे की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। अब ये जो मिलेगी आपको मैक्स ह्यू, इसे आपको कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड की तरफ करना है, ठीक है। और ये इतना करना है कि आपका पूरा स्किन जो है कवर हो जाए, ठीक है। इतना करने के बाद देख पा रहे हो कि ये हो गया एंड फोटो अभी देखने में काफ़ी सही लग रहा है। ये देखो बिफोर ये आफ्टर। यहाँ पे थोड़ा सा रह रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कवर कर लूँगा ऐसे। अब देख पा रहे हो कि स्किन पे भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मतलब इतना ध्यान से आपको करना है। ये देखो बिफोर ये आफ्टर। अभी गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया यहाँ पे एंड अब आपको सिंपल से डन कर लेना है। अब आपको टूल्स पे चलना है, एडजस्ट पे, देन यहाँ से आपको सेचुरेशन को कम कर लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से लेना है ये इरेजर, देन यहाँ से इन्वर्ट करना है। फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ पे छूट गया है वहाँ पे इसको ऐसे चला देना है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे चलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एंड इस तरीके से आपको चला लेना है, ठीक है। ये फ़ोटो जूम करने पर ही ये सब दिखेगी, ऐसे तो नहीं दिख रही है। एंड आपको ये साइड में भी चला लेना है, ठीक है। तो गाइज आप देख पा रहे हो कि अभी फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, मतलब ये सिंपल सा एक छोटा सा काम करने के बाद ये आपको चला ही लेना है पूरा फ़ोटो पे, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि अभी हमारी एडिटिंग बहुत ही मस्त यहाँ पे हो चुकी है। अब आपको सिंपल से यहाँ से डन करना है, ठीक है। डन करने के बाद इसको भी हम डन कर लेते हैं। अब गाइज हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी फ़ोटो के अंदर ऑयल पेंट का इफेक्ट कैसे डालोगे। तो ये देखो पहले फ़ोटो बिफोर ये आफ्टर। अब आपको चलना है सिंपल से ड्रॉ टूल के अंदर, यहाँ से ड्रॉ में जाना है। अब इस लेयर पे क्लिक करना है एंड इसको मर्ज कर लेना है, ठीक है। अब आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ये आप देख पा रहे हो इरेजर का बटन है।
इरेजर पे क्लिक करना है एंड साइज एंड ओपेसिटी आपको 1% रख लेना है, कोई सा भी आपको ब्रश चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम सेट पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इस थ्री डॉट के आइकॉन पे क्लिक करके सेव इमेज कर लेना है। अब ये फोटो आपकी गैलरी में इजीली सेव हो जाएगी। अब गाइस इसी फोटो को हम ओपन करेंगे टूल विज ऐप के अंदर, तो मैं बैक करता हूँ एंड टूल विज ऐप को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ टूल विज, ये आ गया टूल विज। टूल विज ऐप को ओपन कर लेने के बाद कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको प्रो एडिटिंग पे क्लिक करना है एंड ये फोटो वाइज हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ से इफेक्ट्स वाले बटन पे क्लिक करना है, सॉफ्ट स्मर्ज पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आप कोई सा भी नंबर का इफेक्ट ले सकते हो। मैं यहाँ से जैसे कि 6 नंबर का इफेक्ट ले रहा हूँ। मास्क पे क्लिक करना है, क्लीन कर लेना है, ठीक है। अब गाइस कुछ इस तरीके से आपको अपने हेयर पे ही सिर्फ आपको अप्लाई करना है। हेयर पे सिर्फ अप्लाई करेंगे, बाकी जगह इसको रहने देंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको अप्लाई कर लेना है। देख पा रहे हो कि हेयर पे ऑयल पेंट का इफेक्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ से आप चाहो तो बियर्ड पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो एंड इसको सिंपल से डन कर लेना है, ओके। तो गाइज आप देख पा रहे हो कि हमारा ऑयल पेंट का भी काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब इस फोटो के अंदर ना सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है बैकग्राउंड को ब्लर करना। तो इसके ऊपर गाइज हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब वो वीडियो देख के अच्छे से सीख सकते हो कि कैसे बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं। अब आपको सिंपल से सेव वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी में इजीली सेव हो जाएगी। सो आई होप गाइज आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।